शिव कुमार जी, जो बातें कही गुरुचरण जी ने, क्या आप उससे सहमत हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे तो विकल्प खुल जा रहा है, कानून में जोड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात, एक बार और कहिए। इन लोगों से हम बहुत परेशान हैं, ये ऐसे विचारों के कारण पूरे देश का किसान परेशान है, क्योंकि ये ट्राली पर कभी अनाज बेचने नहीं गए हैं। इनसे पूछिए कि अभी जब ये कानून लागू हो चुका है तो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में मक्का 700 से 1000 रुपये बिका है, समर्थन मूल्य उसका है 1850। बाजरा बिका है पूरी मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में, जिसका समर्थन मूल्य 2100 रुपया है, 900 और 1000 में बाजरा बिका है। ऐसी सारे जीन्स आधे दाम में बिके हैं, किसान आंसू पहुँचते हुए घर गया है, और ये कह रहे हैं कि बाहर अच्छा माल बिकेगा, किसान नहीं बेचेगा। किसान नहीं बेचेगा तो कहाँ ला के रखेगा, उसको कहाँ भंडारण करेगा वो? ये इस प्रकार की बातें करके किस आंदोलन को भ्रमित करते हैं, किसानों को भ्रमित करते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है उनको आपको भी नहीं बिठाना चाहिए, उनको पता नहीं है कि समर्थन मूल्य पर हमारा केवल गेहूं और पैडी 70% आप परचेज कर लोगे, चना कौन परचेज करेगा, बाजरा कौन परचेज करेगा, मूंग कौन परचेज करेगा, बाकी 24 दिन पर समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उसको कौन तय करेगा? ठीक है शिवकुमार जी, अब मैं अगले सवाल का रुख करता हूं। हमारी कोशिश यह है कि 10 बड़े सवालों के जरिए पूरे कंफ्यूजन को सामने रख दिया जाए और उसे दूर भी कर दिया जाए, ताकि देश के लोगों को भी समझ में आ जाए कि दरअसल पूरा विवाद क्या है।